वेलकम टू द साउंड डॉक्टर टेलीकास्ट। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। प्रेज गॉड फॉर द होली बाइबल। पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू फोल्ड। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। नंबर वन, टू हेल्प यू एस्केप द फ्लड्स ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन। पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। नंबर टू, टू एनेबल यू टू एम्ब्रेस द साउंड डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड्स वर्ड। और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उसे आप ग्रहण कर सको। अंडर गॉड आई प्रिपेयर्ड 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। बट आई हैव माई फ्रेंड हियर मिस्टर सुधांशु खडाम हु विल टीच दिस लेसन्स टू यू ऑन माई बिहाफ इन हिंदी। परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं, जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। हियर इज ब्रदर सुधांशु खडाम। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा हम सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते आ रहे हैं। आज से हम एक नया विषय आरंभ करने जा रहे हैं और वो है आत्मिक वरदान। और इस विषय के अंतर्गत हमारा शीर्षक होगा, वरदानों का संचालन कैसे न करें। जी हां, हम फिर एक बार नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के इस विषय की ओर बढ़ने वाले हैं। और आप फिर सोच में पड़ गए होंगे कि आत्मिक वरदानों के अध्ययन में भी हम इस प्रकार का दृष्टिकोण क्यों रखते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं क्यों करके ऐसा दृष्टिकोण रखकर आत्मिक वरदानों पर अध्ययन आपके साथ में मिलकर करना चाहता हूं। नया नियम में आत्मिक वरदान इस विषय पर जो सबसे बड़ा भाग हमें मिलता है, शायद आप भी जानते होंगे, ये पहला कुरिन्थियों के 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में मिलता है, जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। और यदि आप एक सरसरी नजर इस पर से ले जाओगे तो आप यह पाओगे कि पौलुस प्रेरित ने आत्मिक वरदानों के विषय को लेकर के सुधारने वाली शिक्षा पर जोर दिया है। बड़ी रोचक बात यह है कि इन्हीं अध्यायों में से आत्मिक वरदानों के विषय पर आज की आधुनिक शिक्षा के भी संदेश तैयार किए जा रहे हैं। अब आप एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रार्थना की बात हो या बाइबल मनन करने की बात हो, यदि विषय प्रार्थना का हो या बाइबल मनन का हो तो समझ में आता है। यदि आराधना का विषय हो या सहभागिता का विषय हो तो भी समझ में आता है कि कैसे ना करें। लेकिन यदि आत्मिक वरदानों के ऊपर हम मनन करना चाह रहे हैं और उसमें भी हम यह सीखते हैं कि इसका संचालन कैसे ना करें,
तब तो सोचने वाली बात हो जाती है। प्रियो, आत्मिक वरदानों का आज का समय जो है उसमें मैं लोगों को पाता हूं कि इससे परे रहते हैं, इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। और मैंने यह भी देखा है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग न करना ये हम लोगों की प्रतिक्रिया है इस बात के लिए कि आत्मिक वरदानों को लेकर के दुरुपयोग हो रहा है। अब इसलिए कि आपने लोगों को दुरुपयोग करते हुए देखा है, आप डरने लगे हैं कि मैं आत्मिक वरदानों के उपयोग में न ही जाऊं और दूर रहूं, इसलिए अच्छा। और यही कारण है कि हम आत्मिक वरदानों का संचालन कैसे न करें, इस विषय पर हम लोग वर्णन करना चाहते हैं। और इस अध्ययन में हमारा उद्देश्य दोहरा है। पहला तो यह कि इसका दुरुपयोग हम रोक दें, और दूसरी बात यह है कि इसका सही उपयोग में हम आपके आपको प्रोत्साहन दे सकें। इस विषय के अंतर्गत भी हम लोग हर बार की तरह 10 पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे न करें। लेसन नंबर 1, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। पहला पाठ, आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि नया नियम में आत्मिक वरदानों को लेकर के जो सबसे बड़ा पाठ है ये हमें पहला कुरंथी और उसके 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में मिलता है। और पौलुस प्रेरित ने जब यह सुधारने वाली शिक्षा को देना आरंभ किया तो देखिए कितने ध्यान आकर्षक वचन से आरंभ करता है। मेरे साथ में आप खोलिएगा पहला कुरंथी उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहां पर यूं लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यहां से आरंभ होता है कि हमें आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान नहीं रहना है, और यही हमारा आज का पहला पाठ है। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान न रहें। जब ये 12वां, 13वां और 14वां अध्याय पूरा चलता है तो 14वें अध्याय के आखिरी भाग में भी देखिए पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं। मैं 38वां वचन आपको बता रहा हूं, परंतु यदि कोई यह न माने तो न माने। आत्मिक वरदानों के विषय में अगर कोई अपने आप को अनजान रखना ही चाहता है तो पौलुस कह रहे हैं वो व्यक्ति खुद इस बात को देख ले। प्रियो, मैं यह देखता हूं कि प्रभु यीशु की कलीसिया जब आराधना में रहती है तो विशेष करके रविवार की आराधनाओं में भी पहला कुरंथियों के 12वें अध्याय के करीब तो पहुंच जाती है, और उसमें भी 11वें अध्याय तक पहुंचती है। 11वां अध्याय कई बार पढ़ा जाता है क्योंकि 11वें अध्याय में मैं उसके अंतिम भाग में देखता हूं कि प्रभु भोजन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें लिखी हैं। और इस 11वें अध्याय को पढ़ने के बाद में कलीसिया में एक अजीब सी बात है, 12वां अध्याय छोड़ देते हैं। 12वें अध्याय को छोड़कर के सीधे 13वें अध्याय पर पहुंचते हैं और वहां पर से प्रेम की कुछ बातें, पहला कुरंथी 13वां अध्याय, प्रेम की कुछ बातें करने के बाद अब देखिए उसके बाद 14वां अध्याय फिर छोड़ देते हैं और फिर आगे के अध्याय में चले जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कलीसियाओं में वचन को लेकर के ऐसा पक्षपात क्यों होता है। प्रियो, मैं आप लोगों को एक विश्लेषणात्मक बात भी सुनाना चाहता हूं जिससे यह बात आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। मैंने यह भी पाया है कि अलग अलग धर्म प्रांत, अलग अलग डिनोमिनेशंस जो हैं, वे बाइबल इतिहास में या प्रभु यीशु के जीवन काल के इतिहास में कहीं कहीं जाकर के रुक जाती हैं। कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर जाकर के रुक गई। वे आज भी प्रभु यीशु को क्रूस पर देखते हैं, वे आज भी क्रूसित प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, क्रूसित प्रभु यीशु के सामने ही खड़े रहते हैं। कुछ कलीसियाएं हैं जो यहां से आगे बढ़ती हैं और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर जाकर के रुक जाती हैं। अब इसलिए कि वे पुनरुत्थान तक जाकर के रुक गए, वे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचते, और इसलिए कि वे स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचते हैं वे आत्मिक वरदानों से भी वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको पवित्र शास्त्र में
प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में लेकर के चलता हूं यह बताने के लिए कि आत्मिक वरदान और स्वर्गारोहण जो है ये आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। यहां पर मैं आपको दूसरे अध्याय के 32वें और 33वें वचन में से पढ़ के बताता हूं। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। प्रभु यीशु के प्रेरित लोगों को यह समाचार दे रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। लोगों के सामने आज पवित्र आत्मा पहली बार उंडेला गया। लोग हैरान हैं, देखने वाले परेशान हैं, लेकिन पत्रस ने खड़े हो करके यहां पर इस प्रकार से लोगों को समझाया और पवित्र आत्मा कौन है और कहां से आ रहा है इस बात को स्पष्ट किया, जिसमें यह कहा कि यीशु का स्वर्गारोहण जब हुआ, वो पिता के दाहिने जब पहुंचा और वहां से उसने पिता से पवित्र आत्मा को लिया और हम मनुष्यों के लिए उंडेल दिया है। स्वर्गारोहण के बाद ही आत्मिक वरदान का उंडेला जाना हुआ है। आइए इफिसियों की पुस्तक में से भी मैं आप लोगों को एक वचन सुनाऊं, उसका 4 अध्याय और 7वां और 8वां वचन। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसीलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। प्रभु यीशु का ऊंचा उठा लिया जाना, प्रभु यीशु का स्वर्ग पर उठा लिया जाना सीधे सीधे आत्मिक वरदानों से जुड़ा हुआ है। पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक से 68वें अध्याय में से आपको पढ़ के बताता हूं, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटे ली जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। पुराने नियम और नए नियम सारी बातों से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जो स्वर्गारोहण है वो सीधे सीधे आत्मिक वरदानों से किस प्रकार से जुड़ा है। अब आपके मन में सीधा प्रश्न उठता है, ठीक है भाई आत्मिक वरदान होते क्या हैं, यहां से शुरू करते हैं। प्रियो, क्रिस्तीय सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को खास कुवत दी जाती है, खास क्षमता दी जाती है, गुण दिए जाते हैं, यह आत्मिक वरदान होता है। मैं इसे अंग्रेजी में भी बोल करके बताना चाहूंगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इज स्पिरिट गिवन एबिलिटी फॉर क्रिश्चियन सर्विस। मसीह सेवकाई के लिए हमें आत्मिक वरदानों की बेहद जरूरत है। स्वर्ग में प्रवेश करना हो तो मैं समझता हूं कि आत्मिक वरदानों की जरूरत नहीं होगी, परंतु यदि आप अपने साथ औरों को लेकर जाना चाहते हो, यदि आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते हैं तो आपको आत्मिक वरदानों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। मैं आपको नया नियम में से आत्मिक वरदानों की सूची बताना चाहता हूं। 5 ऐसे स्थान हमको बाइबल में मिलते हैं जहां पर आत्मिक वरदानों की सूची मिलती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में 17वें और 18वें वचन में यहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को महान आज्ञा दे रहे हैं और इस समय लिखा है कि उस पर विश्वास करने वाले जो होंगे उनके पास में कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ होगी। रोमियों के 12वें अध्याय में और उसके 6वें, 7वें, 8वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं वो एक के बाद एक किस प्रकार से हैं, और ये बातें रोमियों की पत्री में दी गई हैं। उसके बाद में हम 1 कुरंथी और 12वें अध्याय जो थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा उसमें पाया जाता है इसके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें वचन में। उसके बाद में हम इफिसियों की पत्री में भी आत्मिक वरदानों की सूची पाते हैं और ये 4वें अध्याय के 11वें वचन में मिलेगा। उसी तरह से 5वां स्थल जो है वो है 1 पत्रस उसका 4वां अध्याय 10वें और 11वें वचन में। मित्रों, इन 5 स्थानों में ये जो सूची दी गई है ये क्यों कर बार बार दी गई है पहले ये भी बता दूं।
मरकुस रचित सुसमाचार में जब दिया गया तो उसके खास चुने हुए शिष्यों को दिया गया, ये सूची वहां पर पाई जाती है। इसके बाद जब पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में लिख रहे हैं, वे रोम वासियों से लिख रहे हैं, और रोम जो था यह उस समय रोमी साम्राज्य की राजधानी था, और वहां पर मानो संसार के उस खास केंद्र पर, उस राजनीतिक केंद्र पर यह बात प्रकट की गई। कुरिंथुस की कलीसिया को जब लिखा गया तो कुरिंथ की कलीसिया कौन थी? ये वे लोग हैं जो बड़े तत्वज्ञानी थे लेकिन पाप में और गलत कामों में लिप्त थे। इफिसियों के नाम भी जब यह सूची दी गई थी वरदानों की, तब कैसे लोग हैं देखिए, इफिसुस में बड़े धनवान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, बहुत पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन यह देश मूर्ति पूजा से भरा हुआ था। और जब मैं पहला पत्रस में देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यहां पर प्रेरित सारे संसार भर के लोगों को यह आत्मिक वरदानों की सूची प्रदान कर रहे हैं। जी हां, किसी भी कलीसिया में, चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना हो, किसी भी समय की बात क्यों ना हो, बाइबल यह कह रही है कि आपको आत्मिक वरदान चाहिए। यह आत्मिक वरदान बेहद जरूरी है। प्रियो, मैं आप लोगों के साथ में तीन विशेष बातें बांटना चाहता हूं जो हमें आत्मिक वरदानों के विषय में मालूम रहना चाहिए। ऐसी तीन बातें हैं जिनके विषय में हम अनजान नहीं रह सकते। पहली बात, गिफ्ट्स आर फॉर टुडे, वरदान आज के लिए हैं। आत्मिक वरदानों का काल चला नहीं गया, आज के लिए आत्मिक वरदान है। बहुत से लोग पहला कुरंथियों का 13वां अध्याय, बड़ा चिर परिचित वचन है, बहुत से लोगों ने अध्याय भी रट के रखा है, वहां से पढ़कर के सुनाते हैं और कहते हैं भैया आजकल ये आत्मिक वरदानों का और चिन्ह चमत्कारों का समय चला गया। वे बाइबल में से इस वाले वचन को बोलते हैं कि भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रियो, इस वचन का उदाहरण देकर के वे कहते हैं ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप वचन को ध्यान से पढ़ें, आगे बढ़िए उसमें, और आपको यह मिलेगा कि जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध आएगा, जब प्रभु यीशु आएंगे, जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, तब सारा अधूरापन मिट जाएगा। प्रियो, ये सारे चिन्ह चमत्कारों की बातें, ये सारे आत्मिक वरदानों की बातें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के दिन तक बनी रहेंगी, यह वचन हमसे इसी प्रकार से कह रहा है। वहां स्पष्ट लिखा है तब हम आमने सामने देखेंगे, सारी धुंधली चीजें मिट जाएंगी, ये वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? यहां पर जो वाक्य लिखा है कि ज्ञान भी हमारा अधूरा है, ये भी क्या मिटने वाला है? क्या ये मिट गया है? क्या आज हमारे पास में ज्ञान नहीं है? हम जी रहे हैं उसमें। बेशक प्रभु यीशु के आगमन तक ये बातें हमारे साथ में बनी रहेगी, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हम में आत्मिक वरदानों को उपयोग में ला करके प्रभु की महिमा करते रहना चाहिए। दूसरी बात जो आत्मिक वरदानों के विषय में हमें मालूम रहनी चाहिए जिससे हम अनजान न रहें, वो यह है कि गिफ्ट्स आर फॉर एवरीवन, आत्मिक वरदान सबके लिए हैं। बहुत से लोगों का सोचना है कि ये खास वरदान होते हैं और खास खास लोगों के लिए होते हैं, और इसीलिए वे इन वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रत्येक संतान के लिए यह वरदान रखा हुआ है। फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर देयर, जैसे कि एक पिता अपने संतानों को देना चाहता है। यह बात बाइबल में कई जगह पर लिखी हुई है, फिर भी मैं उनमें से कुछ आपके सामने बताता हूं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4:7 वचन में लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हर एक को, इससे कोई भी छूटा नहीं है। उसी तरह से पहला कुरंथी और उसके 12वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है,
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। उसी तरह से पहला पत्रस चौथे अध्याय में भी देखेंगे, हर एक के लिए, सबके लिए आत्मिक वरदान है। आज सबसे बड़ी नासमझी कलीसिया की यह है कि कलीसिया विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। एक तरफ याजक गण है और दूसरे तरफ प्रजा के लोग हैं, समाज है, सारे लोग हैं जो अपने आप को साधारण लोग समझते हैं, वो याजकों का काम समझते हैं, और अपने आप को साधारण लोग जो वरदानों से दूर रहे। लेकिन ऐसा बाइबल हमें नहीं बताती। बेशक पुराना नियम हमको गिनतियों की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में बताता है कि परमेश्वर ने लेवियों को अलग किया था और उन्हें मंदिर की सेवकाई का काम दिया था, याजकीय कार्य दिया था, और बाकी सारी प्रजा थी। लेकिन नया नियम हमें क्या कहता है, यदि आप मेरे साथ में चले पहला पत्रस और उसके दूसरा अध्याय और उसके 5वें वचन में, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, ताकि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। मैं 9वां वचन भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आप याजकों का समाज हो, आपको आज ये ऊंची पदवी दी गई है इसीलिए कि आत्मिक वरदानों के द्वारा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। मैं आपको प्रेरितों के काम में उसके दूसरे अध्याय के 17वें वचन को भी पढ़ करके बताता हूं। पत्रस लोगों को समझा रहे थे कि ये लोग कोई नए मदिरा के नशे में नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये उन्होंने योएल नबी के दूसरे अध्याय के एक वचन को बोल करके बताया है, जब परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और उसमें उसने सब लोगों को गिनाया जिसमें क्या पुरुष हो, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या जवान, सब लोग, यहां तक कि दास और दासियां भी उसमें आ गई हैं, सब पर अपना परमेश्वर का आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन आज मैं यदि कलीसिया को देखता हूं तो मानो मैं कलीसिया की बजाय एक क्रिकेट का मैदान देखता हूं, और उस क्रिकेट के मैदान में क्या होता है कि 13 खिलाड़ी हैं जो मैदान में होते हैं और ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और थके हुए हैं, और ये लोग हैं जिनको आराम की जरूरत है, जबकि स्टेडियम में हजारों हजार लोग बैठे हैं और बैठ करके नुस्ता देख रहे हैं, और ये वे लोग हैं जिनको कसरत की जरूरत है। ये हजारों लोगों को आज हरकत में आने की जरूरत है। कलीसिया में गिने चुने का 4-5 लोग काम करते हैं और बाकी सब लोग शांत बैठे हैं। आज की आवश्यकता है आत्मिक वरदान जो सब के लिए है, उससे हम भरे जाएं और हरकत में आ जाएं और परमेश्वर के राज्य के कार्यों में लग जाएं। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर के प्रजा के लिए कई प्रकार के शब्दों का उल्लेख है, जैसे परमेश्वर की भेड़ें, परमेश्वर का झुंड, परमेश्वर की सेना, परमेश्वर की दाख की बारी। लेकिन नया नियम में एक अलग ही प्रकार का शब्द वहां पर मैंने पढ़ा है, और आप जानते हैं कि कलीसिया को यहां पर मसीह की देह कहा गया है। मसीह की देह है हम सब लोग। अगर आप रोमियो 12 में देखें और उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अलग अलग अंग हैं जो एक ही देह के हैं, और अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, और सबको करना है, कोई निष्क्रिय नहीं रहे, नहीं तो सारी देह किसी न किसी प्रकार के कष्ट में रहती है। आज की आवश्यकता है हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के इन आत्मिक वरदानों से भर जाए और हर एक जन काम करने लगे। तीसरी बात जो आत्मिक वरदानों के विषय में है और जिससे हम लोगों को अनजान नहीं रहना चाहिए, वो ये है कि गिफ्ट्स आर न्यूमरस, वरदान अनेक हैं, वरदान बहुत सारे हैं। रोमियों के पत्री में हम देखें अगर 12वें अध्याय में, तो वहां पर जो सूची है उसमें वरदानों में हम 7 खास बातें पाते हैं। उसी तरह से पहला कुरंथी और उसके 12वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर 9 वरदान पाए जाते हैं। इफिसियों के 4 अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पर 5 वरदानों की सूची मिलती है। इन सूचियों में अगर गौर करें तो कुछ नाम इसमें और उसमें सब मिलकर के पाए जाते हैं, कुछ दोहराए गए हुए हैं,
और फिर भी अगर आप निकालने के लिए बैठे तो मैंने देखा है कुछ लोगों ने 9 की सूची बनाई है, 9 आत्मिक वरदानों की, और कुछ लोगों ने तो 19 आत्मिक वरदानों की भी सूची बनाई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता कि केवल 9 ही वरदान है या केवल 19 है या केवल 90 है। मैं तो यह मानता हूं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण है और वह अनेक प्रकार के बहुत सारे ऐसे हम लोगों के लिए वरदानों को भेजता है। मैं आपको इफिसियों के 3 अध्याय का 20 वचन बताता हूं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, महान है, वो हमारे सोच विचार से 9 और 19 और 90 से कहीं ज्यादा ऐसी सामर्थ के काम हम लोगों के साथ में कर सकता है। प्रियो, इन बातों को स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा, और ये 3 बातें भूल मत जाइएगा जो कहते हैं कि आत्मिक वरदान आज के लिए हैं, अभी के समय के लिए हैं। दूसरी बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि आत्मिक वरदान सब के लिए हैं, और तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि आत्मिक वरदान अनेक हैं। अब जबकि हमें यह बात मालूम पड़ गई है कि आत्मिक वरदान है, आज के लिए है, सब के लिए है, अनेक है, तो अब हमारी क्या कार्य, हमारा क्या कार्य रहना चाहिए? बात यह है कि अब हमें उनकी लालसा करना चाहिए, उसकी इच्छा करना चाहिए। पहला कुरंथी और उसके 14 अध्याय के 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, उसको पाने की इच्छा में रहो, और पाना ही नहीं अब मांगने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 13 वचन में प्रभु यीशु ने हमें एक मानो प्रतिज्ञा दी है, और इस प्रतिज्ञा के अंतर्गत हम परमेश्वर से आत्मिक वरदान मांग सकते हैं। यहां पर यूं लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? यदि हमने मांगा है तो प्रभु यीशु ने कहा कि पिता उसे जरूर देगा। आत्मिक वरदान हम सबके लिए है, आत्मिक वरदान आज के लिए है, आत्मिक वरदान बहुत सारे हैं। हमें उस बात की इच्छा रखना है कि प्रभु मुझे चाहिए, हमें परमेश्वर पिता से मांग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे यह प्रतिज्ञा की है। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे न करें। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद जो बड़ी स्पष्ट रीति से हमारे पास पहुंचे हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको चुन लिया है, अपने याजक होने के लिए चुन लिया, अपने राजदूत होने के लिए चुन लिया, अपने गुणों को प्रकट करने के लिए चुन लिया, और आज हमें उन आत्मिक वरदानों की जरूरत है। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम अपनी सामर्थ्य से, मनुष्य की शक्ति से आपके राज्य के कार्यों को नहीं कर पाते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, नन्हे बच्चे की मानिंद हम आपके सामने मांगते हैं, हे स्वर्गीय पिता हमें आप अपने आत्मिक वरदानों से भर दीजिए। प्रभु यीशु की इस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ में यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।